बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर इस साल 4 फिल्में ऐसी भी रिलीज हुई जो 100 करोड़ रुपए तो नहीं कमा पाई पर दर्शकों के दिलों में जगह कर गई और बिना किसी घाटे की ही हिट हो गई। सबसे पहला नाम है अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन का। इस फिल्म की लागत तो मात्र 40 करोड़ थी पर फिल्म ने 78 करोड़ 95 लाख का लाइफ टाइम कारोबार किया है। दूसरे नंबर पर रानी मुखर्जी की हिचकी फिल्म है जो हिट लिस्ट में शामिल है। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा निर्देशित फिल्म ने महज 46 करोड़ 17 लाख रुपए जमा किए थे मगर नियंत्रित बजट और सदी हुई प्लानिंग के चलते फिल्म हिट हो गई। हिट लिस्ट में तीसरे नंबर पर जॉन अब्राहम की फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पुखरकन का नाम है। इस फिल्म ने 63 करोड़ 68 लाख रुपए का कलेक्शन किया। तो वहीं चौथा नंबर करीना कपूर, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, शिखा तलसानिया की फिल्म वीरे दी वेडिंग का आता है। कम बजट में बनी ये फिल्म न केवल चर्चे में थी बल्कि बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ 23 लाख रुपए जुटाकर हिट हो गई। मिला जुलाकर बस इतना सा कहना चाहते हैं कि अगर कहानी ठीक हो, निर्देशन बढ़िया हो तो कम पैसे में भी अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है और हिट भी की जा सकती है। हमारी ये न्यूज़ आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।